Yes, so put the number system in your notebook, put the date also, so that it will be proper main thing. Daily humne kaun sa work kiya hai, and the heading is dowsing lines. Our today's topic is dowsing lines. Dowsing line means isme hum ye learn karte hain ki jo digits hai unki formation kaisi hoti hai, ki kaun sa digit कैसे आता है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है, कि वन कैसे लिखना चाहिए, टू कैसे लिखना चाहिए, लाइक दिस वे, राइट। तो सिर्फ हेडिंग पुट करो, नंबर सिस्टम, डेट डालो, डॉजिंग लाइंस लिखो, ओके। उसके बाद है कि हमने डॉजिंग लाइन स्टार्ट करनी है 2346। मैम प्लीज वेट वेट, मैं अभी करवा नहीं रही कुछ, मैं सिर्फ हेडिंग्स बोल रही हूँ, अभी मैं करवाऊंगी। 2364 बस ये आपकी हेडिंग्स है, तीन चार ये आप कर लो, उसके बाद हम करते हैं। बॉस आई विल मैच योर स्पीड, आई विल गो स्लो, डोंट वरी। बीच बीच में मैं एक चीज को तीन चार बार रिपीट करूंगी, और अगर कुछ आपका रह जाए, अगर ऐसे होता है कि आपका कुछ रह गया है, उसके लिए भी आपने पैनिक नहीं होना है। जो भी मैं वर्क करवाऊंगी, क्लास वर्क ग्रुप में बाद में आपको आ जाएगा, ठीक है, कि ये था, अगर आपका छूट जाए या कुछ भी है, ग्रुप में आपको आ जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। होमवर्क जब आएगा ना आपको, उसके साथ ये भी आ जाएगा। आई होप सबने हेडिंग लिख ली है। आंसर नहीं लिखना बच्चे, अभी आपने डॉजिंग लाइन नहीं लिखनी, आंसर ही हेडिंग्स ही लिखने हैं। मैम वेट, okay, I'm waiting. So, dowsing lines are from 2346, 2346, 2364. ठीक है, यहां से लेके यहां तक करना है आपने, ये इसमें फॉर्मेशन देखनी है। और अब मैं बोलने वाली हूँ कि करना कैसे है। फर्स्ट स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखना, दिस थिंग। सबसे पहले आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे अपनी नोटबुक पे भी, वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। जब आप ये चीज लिखोगे ना, तो आपके लिए वर्क करना बहुत ईजी है, और ये चीज आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये बार बार बोल रही हूं मैं, इसके मार्क्स भी होते हैं, इसकी फॉर्मेशन में भी नीड होती है, तो ये प्लेस लिखना आप नहीं भूलोगे, स्टार्ट आपने यहीं से करना है, ठीक है। लिख लिया सबने नोटबुक पे साथ में, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ओके। आईडी वेदिशिका, दो जाने बैठे हैं बच्चे, हु इज इन माई क्लास, मुझे कैसे पता चलेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 2346 से स्टार्ट करना है ना, तो वो जो गिवन है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ये ना हो कि वो हम लीव कर दे, वो हम लिखेंगे 2346 से, 2346। और अभी है इसकी फॉर्मेशन, कि इसको अच्छे वे से हमने कैसे लिखना है, बहुत इजी होता है। आप देख सकते हो टू कैसे फॉर्म हुआ, देन थ्री, देन फोर, देन सिक्स। और फोर के लिए एक बात बता दूं मैं, फोर कैसे होता है, साइड पे कर रही हूं एक हल्की सी स्लैंटिंग लाइन, लाइक दिस। आप ऑलरेडी करके आए हो, लेकिन मोस्टली बच्चे जिस जिस डिजिट में मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वो डिजिट में लिख रही हूँ, फोर, ठीक है। थोड़ी सी ये स्लांटिंग लाइन, और ये वाली लाइन उससे थोड़ी सी छोटी, ऐसे हम लिखते हैं फोर, ठीक है। सो 2346, फिर ऑब्वियसली 46 के बाद क्या आता है, 47। इस लाइन का ये मतलब है कि हमने 46 से लेके 64 तक जाना है, ये 20 वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है।
सो 2346 फिर आएगा 2347 है ना, फिर 47 के बाद क्या आता है, आगे वाली चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ पीछे वाली चीजें हमने चेंज करी जानी है जो हमें काउंटिंग आती है। फिर है 2348, 2349 और 49 के बाद क्या आता है 50। साथ में कर लो, फिर बाद में आपकी नोटबुक भी देखूंगी कैमरा के सामने, आप मुझे शो करोगे। बोल भी रही हूं मैं साथ साथ में, 2346, 47 पूरा नहीं बोल रही मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इजी लगे आपको, 48। अच्छा 8 कैसे लिखते हैं, 8 के लिए भी बता दूं, 8 मोस्टली बच्चे भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ये भी रॉन्ग हो गया, कई ऐसे भी लिख लेते हैं, ऊपर वाली बिग नीचे वाली स्मॉल या सेम सेम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत वेज है जो रॉन्ग है, तो 8 हम कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बिग होता है, सिंपल ऐसे में ज्यादा बिग हो गया ये वेट। सिंपल ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बिग, ऐसे बनता है 8, राइट। 50 तक लिख लिया आपने, अब ये देखो मैंने उसके बाद ब्लैंक छोड़ी हुई है, 50 के बाद है ब्लैंक 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 और उसके बाद लिखा है, ठीक है। अब आपने मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि 2350 के बाद क्या आना है, 2350 के बाद क्या आना है आपने मुझे बताना है चैट बॉक्स में। मैं देखती हूँ फर्स्ट नंबर पे कौन लिख रहा है, देन आई विल स्पीक। ओके आईडी विद कुशीन दिव्यम, यस 2351 प्रियंका, वेरी गुड। इससे ये पता चल रहा है कि यू स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हाई, बिकॉज आप साथ में नोटबुक पे भी कर रहे हो और साथ में अपना गैजेट भी यूज कर रहे हो, रिप्लाई भी कर रहे हो, दैट्स गुड। आपने के लिए 61 नहीं लिखना, किसी ने ओनली 61 लिखा है, एक तो रॉन्ग है, पर अकेला 51 ही लिखना आपने, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आना है, अब मैं साथ में लिख रही हूँ 2351, सिंपल, ठीक है 2351। आगे क्या आना है इसके, 2350। हाँ जी बच्चे, मैम जरा हेडिंग दिखाना, नंबर सिस्टम डॉजिंग लाइन आर फ्रॉम 2346 टू 2364, राइट 2346 टू 2000। अभी मैं हेडिंग जो है वो छुपा रही हूँ, ओके ठीक है। आगे ये ब्लैंक थी, ये ब्लैंक हमने फिल कर दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक है, अब अगेन 2000। अभी किसने सारी लिख दी डॉजिंग लाइन, आईडी भी सोनिया हो रही, दैट्स गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे 2353, सिंपल, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे कंटिन्यू करो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट 2354, थोड़ी सी लाइन छोटी लाइक दिस, ठीक है 2354, और लास्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 2355। एंड मोस्टली यू हैव टू ट्राई कि एक लाइन में हमारे कितने आने चाहिए वर्ड्स, अगर 20 वर्ड्स दिए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक लाइन में 10 आ जाए। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम कंटिन्यू एक लाइन में सारा लिख ही जाए, ठीक है। अगर 20 वर्ड्स दिए हैं ना
तो हम कोशिश करेंगे कि 10 यहाँ पे आए, 10 यहाँ पे आए, ठीक है? एक लाइन में नहीं हम लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन इज कंप्लीट, आप करो, आई एम गिविंग यू टाइम। फर्स्ट लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जिनकी हो गई है बच्चे मुझे कैमरा के सामने अपनी नोटबुक शो करो, जिनका हो गया है। जिनका नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गिविंग यू टाइम, बट जिनका हो गया। ओके, कौन शो कर रहा है? आईडी विद नैतिक ज्योति, गुड, यस। आईडी विद वासु, गुड। दिव्यम, सुखमन जोत, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये ना होगी ऐसे कर लो। आपने यही इमेजिन करना है कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो और आपका सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि मैं घर पे बैठी हूँ या बैठा हूँ और मैं जैसी मर्जी राइटिंग करूँ, क्योंकि इन द एंड जब भी स्कूल आओगे ऑफकोर्स आपकी नोटबुक चेक होनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और बच्चों, अनन्या, ओके, देख लिया बच्चे? जिनका देख लिया, मैं कईयों का नेम नहीं भी लिया तो नीचे कर लो। बिष्टि, आरव, नमेश, गुरवीर, यस, आई कैन सी, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ये आईडी विद आरव गुप्ता, अयान एंड आरव, ये मुझे अपना फैन दिखा रहे हैं। बच्चे अपनी नोटबुक दिखाओ या अपने आप को दिखाओ, आपका कैमरा ऊपर है। आईडी विद नाम, हाँ जी, मैम 2-3 के बाद क्या आएगा? किसके बाद क्या आएगा? 2300। आप बताओ मुझसे कौन सा पूछना चाहते हो आप, क्योंकि 46 से हमने स्टार्ट किया, आप कहाँ पे पहुंच गए हो? मैम ऊपर, ऊपर दिखाऊं? वेट कर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सी, 46 से हमने स्टार्ट किया है, 47, 48, 49, 50, आगे नीचे आ जाओ, 51, 52, 53, 54। मैम, मैंने कर लिया है मैम। 70 तक तो बच्चे बोला, 2300। ध्यान दो, जितना पूछा गया है उतना ही करना है। ओके, बीच में ऐसे कोई नहीं बोलेगा यू आर नॉट इन द स्कूल क्लासरूम, ऐसे बीच में कोई नहीं बोलेगा आई हैव डन। मैं खुद पूछूंगी, मैं खुद देखूंगी, मैं आप सबको बोल दूंगी बीच बीच में, दैट शो मी योर नोटबुक। ओके, ऐसे बीच में कोई नहीं, ऑब्वियसली आई नो आप सबने कर, ठीक है? 55 तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट लाइन बना लो, अगेन लिखेंगे हम ones, tens, hundred, thousand, अगेन लिखेंगे, ठीक है? ये नहीं कि हमने एक बारी लिख लिया हमारा काम हो गया, नो, दोबारा लिखेंगे हम ones, tens, hundreds, thousands। पे एंड किया था ना, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 56 से, 2356। आप खुद कंटिन्यू करोगे, फिर 56 के बाद आता है 57, 58, 59, और एक जगह मैंने अगेन खाली छोड़ दी यहाँ पे, ब्लैंक, ब्लैंक फॉर यू ऑल, और आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या आना है, लेकिन उससे पहले आप वहां तक पहुंचो। मैम 60, यस, पर आप पूरा बोलोगे बच्चे, आप 60 नहीं बोलोगे। अनन्या ने कर लिया है, वेरी गुड। यहाँ आएगा 2, 3, 6, 0, यस, क्योंकि मैंने एक स्पेस छोड़ी थी, स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं चेक करूं आप बच्चे करते हो या नहीं करते हो। और आगे भी देखो, सारी ब्लैंक्स हैं बच्चे, आपने फिल करनी है, मुझे नहीं आती ये। इसके बाद 61 के बाद क्या आना है, प्लीज मुझे बताओ। 62, ऐसे नहीं चैट बॉक्स में, यस, जैसे अभी लिखा है जस करमन ने, गुड, जो चैट बॉक्स में लिखेंगे मैं उनका रीड करूंगी। 2362, आगे यशराज ने भी लिख दिया। इसके बाद बताओ बच्चे मैं क्या लिखूं? यस, 2000
363 और लास्ट है मेरा 2364। ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी। ओके ये हम जैसे जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, जैसे भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो बोर्ड पे राइटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, राइट? बिग वर्ड्स आते हैं, लेकिन जब आप पेंसिल से या पेन से करते हो तो ऑब्वियसली बहुत क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा मैं पीछे कर रही हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। क्लियर? यस। अब आपने ये कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक पे। 2346 से हमने स्टार्ट किया था और करते 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 हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हम। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, अच्छे से इसे कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हमने क्या। जी करो बच्चे। अगर आप क्लासरूम में हो ना तो मैं आपको सुन भी लूं, ऐसे सारे बच्चे इकट्ठे बोलोगे तो मैं आपको कैसे सुनूंगी, है ना? सिर्फ आप इस टाइम मुझे सुनो। Let me see, किस किस ने कर लिया। अभी देखते हैं सबसे अच्छी राइटिंग किसने की है। शो मी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जिन जिनका हो गया शो मी। थोड़ा पास से दिखाओ। यस आईडी विद नैतिक ज्योति, बहुत अच्छी राइटिंग की आपने, बिल्कुल क्लियर, गुड। नमेश आपका माइक जो है वो ऑन है, दैट्स गुड। जो डन मैम लिख रहे हैं सबसे अच्छे बच्चे हैं, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना डन मैम, और इतना अच्छा लग रहा है आप कैमरा के सामने नोटबुक शो कर रहे हो, वेरी गुड। अनन्या आपके पास मैथ्स की नोटबुक नहीं है, आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होनी है ना फिर वर्ड्स को लिखने में, डिजिट्स को लिखने में, तो नेक्स्ट टाइम आप बच्चे मैथ्स की नोटबुक लगाओगे। ओके नेक्स्ट पे भी देखते हैं किस किस का हो गया है। आईडी विद प्रणव ज्योत, अभी कर रहे हो करो, नो प्रॉब्लम। आईडी विद मुस्कान, आपने भी मोस्टली जो दिखा रहे हैं ना, मैं इनका नेम नहीं ले रही हूँ। यस बच्चे सहजप्रीत, आई हैव सीन। हाँ जी मैम, मेरे मम्मा ना कहीं गए हैं, तो मैं ना पेंस लाना भूल गई थी। क्या लाना भूल गई थी? पेंसिल। पेंसिल लाना भूल गई थी, कोई और है नहीं घर में एक्स्ट्रा पेंसिल? कोई बात नहीं, आज हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। एक तो आप मेरे लिए भी न्यू हो, मैं आपके लिए न्यू हूँ, और वेरी फर्स्ट डे है, धीरे धीरे आपको हमारा पता चल जाएगा और हमें आपका। ओके और आपको पता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जो अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किसी स्टूडेंट की बात कौन कैसा है, है ना, कौन बहुत इंटेलिजेंट है कौन बहुत नॉटी है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी आप अपनी इमेज अच्छे से और बना सकते हो, क्योंकि आप सबके लिए अभी सारे न्यू टीचर्स है। मैं खुद हूँ सेकेंड ग्रेड की, मैं हूँ ना क्लास टीचर, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कैसे है। तो आप जैसे बिहेव करोगे वैसे ही आपकी इमेज बन जानी है, अच्छे से वर्क करोगे तो सारा साल मुझे यही लगना है कि अच्छे से बच्चा वर्क करता है। आज तक जितना हो जो हो गया हो गया, डेली का काम आपने डेली करना है, जब भी मैं आपसे मंगवाऊं आपने डेली सेंड करना है, लेकिन जब मैं मंगवाऊं ठीक है खुद नहीं सेंड करना। कोई भी डाउट हो आई एम देयर, आप मुझसे पूछ सकते हो स्टडी रिलेटेड एनी डाउट। और आज जो डॉजिंग लाइन हमने की है इस रिगार्डिंग, अगर आपको कोई डाउट हो किसी वर्ड की फॉर्मेशन में तो आप उससे पूछ सकते हो, नॉट बाय स्पीकिंग बट बाय राइटिंग इन द चैट बॉक्स।
किसी को कुछ डाउट है अगर क्लियर है तो भी लिख देना, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो हमने छोटे टॉपिक से स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट डे ज्यादा वर्क ना लग जाए, भाग ना जाओ आप, इतना सारा काम करवा दिया हमें कितने दिनों के बाद, आप सारे मजे में बैठे थे ना, इंजॉय कर रहे थे घर पे पूरी तरह, एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट आ गया, स्कूल नहीं जा रहे हम एक साल से, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फोर बोला है किसी ने, तो फॉर्मेशन ऑफ फोर सिंपल है, ये देखो कैसे करना है, एक हल्की सी स्लैंटिंग लाइन, एक लाइन और ये ऐसे सिंपल, ठीक है, थोड़ी सी ये स्लैंटिंग लाइन है और इस लाइन को हमने जोड़ना है और जो आगे वाली लाइन है वो थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती है, क्लियर, और किसी ने कुछ पूछना हो एंड ऑफ कोर्स आगे मैथ्स आपका मैं ही लेने वाली हूँ, कंटिन्यू करेंगे हम आपस में इकट्ठे, आप मुझे बहुत सारी चीजें सिखाओगे एज स्टूडेंट और मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी एज टीचर, राइट, कोई प्रॉब्लम हो आई एम देयर, डायरेक्ट कम टू मी एंड आई विल कम टू यू डायरेक्ट, अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी चीज, राइट, हाँ जी मैम, आई पास, क्या बोल रहे हो मैम, मेरा A1 आया, अच्छा ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, रिजल्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जिसके जो आ गए ना मार्क्स वो बेस्ट हैं, जो आप पीछे हो गया बेस्ट है, अब हमने ये सोचना है आगे कैसे करना है, आप एक चीज बस माइंड में बिठा लो कि आज हमारा फर्स्ट डे है, अगर आप आज का काम आज ही करोगे ना, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ मैथ्स का, ईच सब्जेक्ट अगर आज का काम आज आप ही कर लो, आज ही कर लोगे ना, तो ऑब्वियसली आप कभी भी लैक नहीं करोगे, क्योंकि डेली हम बहुत थोड़ा थोड़ा वर्क करवाते हैं सारे टीचर्स, जब थोड़ा 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 मिलेगा फिर ज्यादा बनेगा, लेकिन जब पहले ही ज्यादा इकट्ठा कर लोगे आप फिर कुछ नहीं होना, रोज का काम रोज, और अभी मैं आपको बता रही हूँ जो हमने वर्क किया है ना, अगर किसी का रह गया या जो भी है, तो मैं ये वाली वर्कशीट जो हमने क्लास में की है आफ्टरनून में आपके ग्रुप में आएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, साथ में होमवर्क भी आएगा, होमवर्क की वर्कशीट भी आएगी, वो होमवर्क आपने करना है अपनी नोटबुक पे, एक ही नोटबुक लगानी है, अच्छी नोटबुक लगानी है, अच्छी मतलब स्कूल की या जो भी होती, रफ नोटबुक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप राइटिंग अच्छी नहीं करते हो, कोई लाइंस वाली नहीं चाहिए, ये बॉक्सेस वाली नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके सारे वर्ड्स जो है वो अच्छे से फॉर्म हो, राइट, तो उसपे अच्छे से आपने होमवर्क करना है, डेली डेट डालनी है, डे डालना है, और डेली आपको पता होना चाहिए आपने कितना वर्क किया, कोई भी आप दो दो बच्चे इकट्ठे बोल रहे हो,